नमस्कार बकरी पालक किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी बकरी चारा नहीं खा रही है तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सी दवा है जिसको देना चाहिए। अक्सर क्या होता है, इस समय जब बारिश का समय होता है तो हमारे चारों तरफ हरा चारा पर्याप्त मात्रा में होता है। हरा चारा अधिक होने की वजह से किसान भाई उसे ज़्यादा हरा चारा दे देते हैं, या चराई पे ले जाते हैं, या स्टॉल फीड पे भी हो तब भी उसे ज़्यादा जब हरा चारा मिल जाता है तब भी ये दिक्कत आती है कि उसके पेट में अपच हो जाती है और साथ ही साथ वो चारा छोड़ देती है, कम चारा खाती है। तो मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूँगा कि हरे चारे के साथ में कम से कम आपको 25-30% सूखा चारा भी मिलाकर खिलाना है, जिससे उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से डाइजेस्ट हो सके और वो चारा ना छोड़े और अच्छे से खाती रहे, वजन भी लेती रहे। दूसरे नंबर पर आपको अपने जो जितने भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, बकरी बकरे सभी के लिए आपको डीवार्मिंग कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपने पिछले 2-3 महीने में डीवार्मिंग नहीं कराई है तो डीवार्मिंग भी ज़रूर करा लें। ये भी एक बड़ा कारण बनती है जिससे हमारे बकरे और बकरी की जो भूख लगने की क्षमता है वो कम हो जाती है, चारा अच्छे से नहीं पकड़ती है। इसके बाद आपको तीसरे नंबर पर ध्यान रखना है कि अपने बकरी बकरे को लीवर टॉनिक भी जरूर देना है, जिससे उसके लीवर में कोई भी समस्या नहीं आती है, उसका लीवर अच्छे से काम करता है और चारा बढ़िया खाती है। फिर आपको सबसे लास्ट में ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये दो प्रकार की बोलस आपको अपने बकरे बकरों को देना चाहिए, एक तो है बायोबूस्ट, एक है मिनोलेक्स प्लस। ये दोनों आपको ले लेनी है। मिनोलेक्स प्लस क्या है कि अगर हमारी बकरी को कभी बुखार है या दर्द है, कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी सही करती है, साथ ही साथ भूख भी बढ़ाती है। तो बायोबूस्ट और मिनोलेक्स प्लस ये बोलस आपको दो प्रकार की लेनी है, आधी आधी करके आपको सुबह शाम बकरी को आपको देना है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो चारा अच्छे से पकड़ेंगी और आपकी बकरी कभी भी चारा नहीं छोड़ेगी, वजन भी अच्छे से लेगी, बीमार भी नहीं पड़ेगी। लास्ट में चलते चलते आपको ये भी बता दूं कि अगर आपकी बकरी 10 या 15 किलो से कम है तब आपको इसकी 1/3 गोली करके देना है, वैसे आपको 1 या 2 भाग करके आधी आधी गोली आपको दोनों देते रहना है और ये आपको 2 से 3 दिन देना है, आपकी बकरी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सारे मित्रों में शेयर करें।